हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरी इंग्लिश मैनिया में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग नरेशन का सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 वीडियो लेक्चर देखा है। पहले लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा कि नरेशन होता क्या है, नरेशन के टाइप्स क्या होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ठीक है। फिर फ्रेंड्स सेकेंड वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि प्रनाउन का चेंज कैसे करना है, पर्सन का चेंज किस तरीके से करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के रूल्स क्या होते हैं। हम लोगों ने 2 रूल्स डिस्कस किए थे। एक होता है जनरल रूल और दूसरा होता है स्पेशल रूल। जनरल रूल्स ऐसे रूल्स होते हैं जो सभी प्रकार के सेंटेंसेस में फॉलो किए जाते हैं। तो जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ के आ रहे थे चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें से हम लोगों ने चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंसेस कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आज की कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब हम लोग जनरल रूल्स को पूरा कर लेंगे तो हम लोग स्पेशल रूल्स में एंटर करेंगे। जैसे असर्टिव सेंटेंस अगर आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच में तो किस तरीके से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटरी या ऑप्टेटिव सेंटेंस आ रहा है तो किस तरीके से उसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। सो फ्रेंड्स, टाइम को बिना स्पेंड किए हुए हम लोग आते हैं अपने वीडियो लेक्चर पे। तो हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग, चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे जनरल रूल्स, ठीक है, जनरल रूल्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग जनरल रूल्स को डिस्कस कर रहे थे कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना कैसे है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हम लोगों का हेडिंग होगा वो होगा चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस तरीके से परिवर्तन करना है, ये हम लोगों का विषय होगा, ठीक है फ्रेंड्स। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे, हाँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन जब आप बनाएंगे, यदि आपको रिपोर्टेड स्पीच में, ओके फ्रेंड्स, कहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में, ना रिपोर्टेड स्पीच में, अब अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में दिख जाए दिस, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर दिस दिख जाए तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे दिस को चेंज करेंगे, ना किस में चेंज करना है, दिस को चेंज करना है दैट में, दीज को चेंज करना है दोज में, नाउ को चेंज करना है देन में, हियर को चेंज करना है दियर में, ठीक है। दिस, that, these, those, now को then में, here को there में, अगर sentence में thus आया हो तो thus को change करना किस में, show में change करना। Okay friends, thus को किस में change करेंगे, thus को change करेंगे show में। अगर sentence में आपको ego दिख जाए तो ego को change करना किस में, ego को change करना है before में, ठीक है। अब अगर सेंटेंस में टुडे दिख जाए तो टुडे को चेंज करना है किस में, ना टुडे को चेंज करना है दैट डे में। ओके फ्रेंड्स, अब अगर आपको दिख जाए यस्टरडे, ठीक है, अब अगर यस्टरडे दिखता है तो यस्टरडे को चेंज करना है द प्रीवियस डे में, ठीक है। यस्टरडे को किस में चेंज करेंगे, यस्टरडे को चेंज करेंगे द प्रीवियस डे में। अब सेंटेंस में अगर आ जाएगा टू नाइट,
ओके फ्रेंड्स, सेंटेंस में अगर टुनाइट आएगा तो टुनाइट को चेंज करेंगे किस में? टुनाइट को चेंज करेंगे दैट नाइट में। अब अगर सेंटेंस में आपको टुमारो दिख जाए, टुमारो, तो टुमारो को चेंज करना है किस में चेंज करेंगे? द नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये सारी बातें याद रखना है कि दिस आएगा तो दैट में चेंज करेंगे, दीज आएगा तो दोज में चेंज करेंगे, नाउ आएगा तो देन में चेंज करेंगे, हियर आएगा तो किस में चेंज करेंगे? दियर में चेंज करेंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये हमारे लिए की पॉइंट होगा। हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए दिया जाए, वहाँ पे चार ऑप्शन रहेंगे। सपोज करो कि डायरेक्ट नरेशन में दिस का यूज़ किया गया है, तो हम लोग उस ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे जिस ऑप्शन में दिस को दैट में नहीं बदला होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे। डायरेक्ट से अगर इनडायरेक्ट नरेशन बना रहे हैं तो दिस को चेंज करना है दैट में, दिस को चेंज करना है दोज में, नाउ को चेंज करना है देन में, हियर को चेंज करना है दियर में, दस को चेंज करना है किस में? सो में चेंज करना है। तो इस तरीके से बदलाव चलता रहेगा फ्रेंड्स। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना या फिर नरेशंस के क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व करना ना बहुत ही आसान होता है। एक बार हम लोग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कर लेंगे, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, एग्जाम के प्रश्नों को किस तरीके से आप टैकल करेंगे, उनको सॉल्व किस तरीके से करेंगे ताकि गलत होने के चांसेस बहुत कम हों। ओके फ्रेंड्स, तुम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ना, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। जैसे एक सेंटेंस लिखा गया डायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट नरेशन में फ्रेंड सेंटेंस लिखा जाए, ठीक है, डायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस लिखा गया, माय फ्रेंड सेड टू मी आई कैन नॉट हेल्प यू इन दिस मैटर। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से लिखा गया ना, माय फ्रेंड सेड टू मी आई कैन नॉट हेल्प यू इन दिस मैटर। फ्रेंड्स, अब आप लोगों ने चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि जनरल रूल्स के तीनों नियमों को पढ़ लिया है। तो अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने में आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, हमको करना क्या है, जब इसका हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखना है जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव है। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा है? असर्टिव है। अब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर असर्टिव हो तो हम लोग सेट टू का बदलाव किस में करेंगे ना, पहली चेंजिंग तो यही होती है, पहली चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब में होगी। तो सेट टू को किस में बदलेंगे? सेट टू को बदलेंगे हम लोग टोल्ड में ना, सेट टू को बदलना है टोल्ड में। तो क्या बोलेंगे? माय फ्रेंड, क्या लिखेंगे यहाँ पे? टोल्ड मी, फिर क्या लिखना है? दैट। ओके फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि सेट टू को चेंज करना है टोल्ड में और कंजंक्शन के रूप में यूज़ करना है दैट। ये कंजंक्शन का यूज सेंटेंस के अनुसार होता है। असर्टिव सेंटेंस है तो हमने कंजंक्शन के रूप में दैट यूज़ किया है, दैट। फ्रेंड्स, अब आपने पढ़ा है यहाँ पे देखिए आई, तो आई फर्स्ट पर्सन, आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। और आपने चेंज इन पर्सन में क्या पढ़ा था कि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, अगर थर्ड पर्सन आया है तो नो चेंज। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन, तो हम लोग देखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट माय फ्रेंड, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? माय फ्रेंड, माय फ्रेंड इज थर्ड पर्सन, माय फ्रेंड क्या है? थर्ड पर्सन। अब अगर हम लोग फ्रेंड की बात करें ना, फ्रेंड इज विदर मेल और फीमेल, तो फ्रेंड यहाँ पे आप कुछ नहीं बोल सकते, फ्रेंड मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। सो हम लोग क्या करेंगे ना, आई को रिप्लेस करेंगे, माय फ्रेंड का प्रोनाउन आप क्या लिखोगे? माय फ्रेंड का प्रोनाउन या तो आप ही लिख सकते हो,
ये आप क्या लिख सकते हो, सी ना, ही या सी दोनों का यूज़ करेंगे, क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही सी। देन आपने देखा है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस टेंस बदलता है। कैन मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब का परिवर्तन कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड आपने पढ़ा है, तो कैन को किस में चेंज करेंगे, कैन को चेंज करेंगे कुड में। सी कुड नॉट, क्या लिखना है, सी कुड नॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेल्प। ओके फ्रेंड, यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा गया, यू सेकेंड पर्सन वर्ब के बाद आया है, और हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद, वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है, तो यू यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा ऑब्जेक्ट। अब सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्लेस पे है तो मी का ऑब्जेक्टिव प्लेस भी क्या हो जाएगा, मी इन। अब फ्रेंड यहाँ पे अगर देखें दिस, अभी हम लोगों ने पढ़ा दिस को किस में चेंज करते हैं, दैट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दैट मैटर। ओके फ्रेंड, आई थिंक ये बातें आपको समझ में आई होंगी, या मैं आपको ये बात समझाने में एबल हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड देखा जाए तो नरेशन एडवांस टॉपिक में हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं ना, हमारे माइंड में कई सारी चीज़ें चलती हैं, हम एक जगह बदलाव नहीं करते हैं। अब अगर डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने में गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि एक जगह नहीं, चार से पाँच जगह हम लोगों को चेंजिंग ध्यान में रखना होता है। लेकिन अगर ऑप्शनल एग्ज़ाम है तो हम लोग कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे ना, कुछ टिप्स देखेंगे, उसको फॉलो करके हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे फ्रेंड, पहली बदलाव आपने कहाँ पे किया, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं, पहली चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब में, दूसरा काम कंजंक्शन, तीसरा काम आपने क्या किया, तीसरा काम आपने क्या किया, पर्सन में बदलाव किया, चौथा काम आपने क्या किया ना, टेंस में बदलाव किया, और यहाँ पे पांचवा काम आपने क्या किया, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदलाव किया है ना। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं, पहले तो ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का बदलाव किस में होना है, फिर ये देखना है कि कंजंक्शन कौन सा आएगा, फिर पर्सन को कैसे बदलना ये देखना है, देन टेंस बदलेगा या नहीं बदलेगा इसको भी ध्यान में रखना है, फिर अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का चेंजिंग किस तरीके से करना है ये भी माइंड में रखना होता है। सो फ्रेंड हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, यू डिड नॉट अटेंड the class yesterday, you did not attend the class yesterday. Okay friend, ऐसा लिखा गया, the teacher said to the student you did not attend the class yesterday. क्या लिखा गया, the teacher said to the student you did not attend the class yesterday. क्या करेंगे friend, जब इसका indirect narration बनाएंगे तो शेड टू का बदलाव किसमें करना है बोलो, क्या लिखेंगे, द टीचर शेड टू को बदलेंगे किसमें, टोल्ड में, पहला परिवर्तन हो गया टोल्ड, असर्टिव सेंटेंस है, तो कंजंक्शन के रूप में क्या आएगा दैट, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट, यहाँ पे क्या है फ्रेंड, यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट ना, अब स्टूडेंट का जेंडर कौन सा है ना, कॉमन जेंडर, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यू को रिप्लेस करेंगे या तो सी से, या फिर किससे रिप्लेस करेंगे, ही से, एग्जाम में कंडीशन कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पे डिड नॉट अटेंड कौन सा टेंस बोलो भाई, कौन सा टेंस, बहुत सही, कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। तो आपको ये पता है कि पास्ट इंडेफिनिट का कन्वर्जन किस में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को बदलते किस में हैं, किस में, पास्ट परफेक्ट में। ओके सॉरी,
सॉरी फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने ये देखा कि पास्ट इंडेफिनिट का परिवर्तन किसमें करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। बाय मिस्टेक पूरा का पूरा वीडियो तो क्लीन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आपको मेरी बातें यहाँ तक समझ में आई होंगी। सेंटेंस आपने देख ही लिया है, उसको आप इनडायरेक्ट में बदल लीजिएगा। हम लोगों ने चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या देखा, दिस को चेंज करेंगे दैट में, दिस को चेंज करेंगे दोज में, हियर को दियर में, दस को शो में, नाउ को देन में, स्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, और क्या था, एगो, एगो को किस में चेंज करना है, बिफोर में, टू नाइट को किस में चेंज करना है, दैट नाइट में। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको यहाँ तक मेरी बातें समझ में आई होंगी। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरा वीडियो लेक्चर अगर आपके लिए यूजफुल हो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक्स करें। थैंक यू।